अपने YouTube चैनल आई टेक्नोलॉजी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो और दोस्तों इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए और क्या इसमें एज चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए और दोस्तों अगर अपना वीडियो पसंद आ जाए तो अपने वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप पहली बार अपने चैनल पर आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार की आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर इस वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अपने द्वारा बनाई गई ये वेबसाइट है बेस्ट नाउ 24। तो दोस्तों इस पर जाना है आपको, तो यहाँ पे यूज प्रोफाइल बेस्ट नाउ 24 इस पर क्लिक करना है। बेस्ट नाउ 24 दोस्तों ये आपको डालना है। इस वेबसाइट पर आपको आने वाली सभी सरकारी वैकेंसियों की वीडियो की जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों जैसे आप ये वेबसाइट डाल दोगे तो आप इस वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाओगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके इस वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे फॉरेस्ट डालना है, उसके बाद में इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल आ जाएगी। तो दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ, इस वैकेंसी में फॉर्म भरने की तारीख है जो 8 दिसंबर 2020 है, अंतिम तारीख 7 जनवरी 2020 रखी गई है, फीस जमा करवाने की तारीख 7 जनवरी 2020 रखी गई है और इसमें 18 से 40 वर्ष वाले फॉर्म भर सकते हैं। और जो दोस्तों बात करें इसमें फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की, इसमें एक पोस्ट निकली हुई है, फॉरेस्ट गार्ड की 1041 पोस्ट है और फॉरेस्टर की 87 पोस्ट इसमें निकली हुई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 10th पास होना जरूरी है और फॉरेस्टर के लिए 12th पास होना जरूरी है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 से 24 साल के बीच में एज चाहिए और फॉरेस्टर के लिए भी 18 से 40 साल के बीच में एज चाहिए। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए इसमें 18 से 24 साल के लिए एज मांगा है, बाकी फॉरेस्टर के लिए 18 से 40 वर्ष के कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, पहले बेसिक रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद में एग्जाम लगेगा। और दोस्तों इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको अपनी एसओसओ आईडी के द्वारा फॉर्म भरा जाएगा, मैं आपको इसके बारे में अभी बता देता हूँ। और इसमें एप्लीकेशन की फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 450 रुपये फीस रखी गई है। ओबीसी एनसीएल दोस्तों इसमें आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो इसका नॉन क्रीमी लेयर होता है तो इसकी 350 रुपये फीस रखी गई है। एससीएसटी की 250 रुपये फीस रखी गई है और करेक्शन चार्ज इसमें 300 रुपये का रखा गया है। आप क्रेडिट फीस जमा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई मित्र, नेट बैंकिंग द्वारा आप कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें, फॉरेस्ट गार्ड में जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था 1041 पोस्ट है और 10th पास इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और फॉरेस्टर में 87 पोस्ट है, इसमें 10+2 कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से इसमें अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो आपको सबसे पहले एसओसओ आईडी अपनी लॉगिन कर लेनी है। अगर किसी कैंडिडेट की एसओसओ आईडी बनी हुई नहीं है तो आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहां से सिटीजन पर क्लिक करना है और आपको अपना जनाधार या फेसबुक आईडी या गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट के द्वारा लॉगिन कर लेनी है। जैसे लॉगिन हो जाती है तो आपको यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना है और आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। जैसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ जैसे दोस्तों कुछ देर बाद में अपनी आईडी लॉगिन हो गई है और इस तरीके से अपने सामने एक पेज ओपन होता है। दोस्तों आने वाली सभी सरकारी वैकेंसियों के बारे में हम इस वेबसाइट पर डालते रहते हैं तो आप जरूर इसे
विजिट करें। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपके सामने रिक्वायरमेंट पोर्टल ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अदर्स एप्स का ऑप्शन है, आप अदर एप्स पे क्लिक करके भी आप इस पोर्टल पर पहुंच सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्विक सर्च पे आर ई डालोगे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल आ जाता है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है, और यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे बता रहा है ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट गार्ड 2020, तो इसमें आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, और उसके बाद में आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। दोस्तों मैं इसके बाद में अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार अपने चैनल पर नहीं आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।